हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, आज हम लोग वैदिक मैथ्स की हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रिक जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको हर एक वीडियो 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट का हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर देगी। ये जितनी भी चीज़ें रहेगी ये पूरी वैदिक मैथ्स पर डिपेंड करेगी, है ना। वैदिक मैथ्स में जो जो ट्रिक्स बताई हैं, जो जो मेथड्स बताई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, जैसे कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो सिर्फ 2 से 3 सेकंड में। कैसे? जैसे कि मैंने आपको कहा मैं निकाल रहा हूँ 24 का स्क्वायर। कैसे निकालूंगा? मुझे पता है ये 2 है, ये 4 है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 2 प्लस 4। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। 2 प्लस 4 लिख दिया, ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है। क्या बन गया? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, 2 प्लस 4, 2 है मेरे लिए ए, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4, है ना, 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी मेरा क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 2 2 ज़ा हो जाएगा यहाँ से 4, प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, प्लस 16। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ठीक। अब हमें कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान देना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अब क्या करना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट्स ले लेके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है राइट साइड से। मतलब सबसे पहले मैं देखूंगा 16, ये राइट साइड वाला, इसमें मैं ये 6 को लूँगा यूनिट डिजिट को, और इसके सामने जो है 1, इसको मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा सर? कैरी दे दूँगा। तो 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7, है ना। ये कैसे आया समझ में आया? ये जो 1 है इसको मैंने यहाँ पर कैरी दे दिया 16 में, तो 16 प्लस 1 17 बन गया। ठीक, मुझे तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना है, तो मैंने 17 का यूनिट डिजिट लिया 7। अब ये जो 1 है ये भी क्या चला गया आगे? कैरी। तो 1 प्लस 4 क्या बन गया? 5। तो बस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अभी मैंने आपको समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा, यकीन मानो जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये चीज़ समझ में आई। अब मैं आपको दूसरा एक कोई लेके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 56 का स्क्वायर। ठीक, 56 का स्क्वायर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 6 प्लस इंटू 5 मतलब 5 6 30 इंटू 2 60, और ये 6 का स्क्वायर मतलब कितना? 36। मुझे तो सिर्फ कैरी लेना है, यूनिट डिजिट बस लिखना है और कैरी लेते जाना है। ये यूनिट डिजिट मैंने 6 लिख दिया, कैरी ये जो इसके सामने वाली वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 63, मतलब सिर्फ 3, ये 6 मैंने यहाँ पर ले लिया कैरी, तो यहाँ से कितना बन गया हमारा? 31। तो बस 3136 क्या होता है सर? 56 का स्क्वायर होता है। समझ में आया कैसे क्या सॉल्व करना है? और कोई नंबर लेके दिखाऊं? चलो, और कोई हम लोग नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 82, ठीक है ना, 82 का स्क्वायर। कैसे करेंगे सॉल्व? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2ab मतलब 8 2 16 इंटू 2 32, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो यूनिट डिजिट हमें लेना है, तो ये 4 वैसा का वैसा ही, ये 2 वैसा का वैसा ही, ये 3 क्या हो जाएगा सर? कैरी हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ से? 67। तो 6 7 2 4 क्या होता है? 82 का स्क्वायर होता है। अब आप कहोगे सर क्या ये जो है ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल है क्या? मैं कहूँगा नहीं, ये 3 डिजिट 4 डिजिट जितना आपको लेना है। चलो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लेके दिखाता हूँ 3 डिजिट का। जैसे कि 113 का स्क्वायर अगर मुझे लेना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो आखिरी का जो डिजिट है इसको मानूंगा 3, ठीक है। एक डिजिट मैंने ले लिया 3, प्लस ये 11 बचा वाला वैल्यू, ये तो ये मेरे लिए बन गया ए,
प्लस 3 हो जाएगा b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, ए स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2ab, 2ab कितना होता है 11 इंटू 3 33, इंटू 2 कितना हो गया 66, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। क्लियर? तो ये 9 वैसा का वैसा ही, मुझे ये 6 एक यूनिट डिजिट लेना है 6, ये वाला जो 6 है कैरी चले आएगा तो 127 बन गया, मतलब 17 वैसा का वैसा ही और 12, तो 12769 क्या होता है सर, 113 का होल स्क्वायर होता है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। एक और, चलो एक और कर सकते हैं हम लोग, एक और बता देता हूँ मैं, 114 का ये लो। 114 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने यहाँ पर 4 को एक अलग से लिया, 11 को, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 88 प्लस 4 का स्क्वायर, ये वाला 4 मतलब b स्क्वायर कितना हो गया 16। मुझे तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है राइट साइड की, तो मैंने इस 6 को लिया, ये जो 1 है कैरी चले जाएगा मतलब 89। अब 89 में यूनिट डिजिट है 9, तो ये जो 8 है ये कैरी चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 129। तो बस 12996 क्या हो जाएगा, 114 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये सारी चीज़ें हमें क्लियर है? आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आप लोगों को बताना है कि 243 का होल स्क्वायर कितना होगा, और एक 4 डिजिट का भी देता हूँ, ठीक है, 2432 का स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क, 243 का स्क्वायर बताना है और 2432 का स्क्वायर बताना है, ये दोनों होमवर्क हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो इतनी चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, देखना समझना। जैसे कि मैंने अभी क्या लिखा था यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी कोई पूछेगा तो बता देना कि डायग्राम की हेल्प से बना कैसे। ठीक, देखो सपोज़ मैंने यहाँ एक लाइन खींची, मैंने यहाँ एक लाइन खींची, ठीक, एक सेकेंड, लाइन थोड़ी अच्छे से बनी नहीं है। हाँ देखे, मैंने यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची, ठीक, यहाँ मैं एक आर्बिटरी पॉइंट दे रहा हूँ, सपोज ये मैंने इसको यहाँ लिख दिया ए, ये है मेरा बी, मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्या बना देता हूँ, एक स्क्वायर बना देता हूँ। ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक, इमेजिन करिएगा ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर है ना, ये नहीं है, इमेजिन करिएगा ये मेरा एक स्क्वायर है। ये जो लाइन थी इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ भी मैंने एक आर्बिटरी पॉइंट दिया, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, इसको भी मैंने पॉइंट को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक। अब देखो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक, तो साइड का स्क्वायर मतलब, साइड का स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो ये ए है साइड, मतलब ए स्क्वायर हो गया, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो इनकी जो साइड्स हैं ये क्या दी है, बी, तो बी क्या है आपकी साइड्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। ये जो है इतना, ये क्या है, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, मतलब लेंथ है मेरे पास बी, ठीक, और ब्रेथ है मेरे पास ए। क्या ये चीज़ समझ में आई, क्या ये चीज़ समझ में आई, तो ये कितना हो जाएगा एल इंटू बी ए बी। ये भी देखो मेरे पास, ये भी देखो मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल, ये भी एल इंटू बी होता है, लेंथ है मेरे पास बी, ब्रेथ है मेरे पास ए, तो एल इंटू बी मतलब ए बी, तो बस इसको लिख लो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा पूरा। अब ये पूरा कितना हो गया, ये देखो ए स्क्वायर प्लस ये ए बी प्लस ये ए बी प्लस ये बी स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो समझ में आया, तो हम डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे आता है। क्लियर? और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसको आपको कहाँ देना है सर, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देना है। क्लियर?
अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा चैनल को, है ना। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। क्लियर है सभी लोगों को, है ना। अभी हम लोग मैं अभी कुछ कारणवश लाइव क्लासेस डेली नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। तो जब तक नहीं ले पा रहा हूँ, तब तक मैं आपको ये ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दो, रेलवे का दो, बैंक का दो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आ जाए, आप कैलकुलेशन को 2 से 3 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।